बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी रेसिपी, मतलब आज हम चाय बनाने वाले हैं, कौन सी चाय? यूनिक किस्म की चाय बनाने वाले हैं। आप लोग चाय बनाते हैं नाश्ते में, शाम में, तो आज हम ऐसी चाय बनाएंगे कि आप इसको बार बार बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें आप हमें किस शहर से, किस कंट्री से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कमेंट्स में बताते हैं कि हम दिस एंड दैट शेयर से आपको लाइक कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपको चंद चीज़ों के नाम बताते हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। जो इस्तेमाल करनी है वो चीज़ें हैं जी हाँ, ये हमें चाहिए चाय की पत्ती, और हमने लिए हैं बादाम। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और चीनी और साथ में दूध। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पैन ले लिया है, आपने इसमें पैन को अच्छी तरह खुशक कर दिया, पैन बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसमें ऐड कर देंगे अपनी चीनी। आप सोचोगे ये कैसी चाय है जिसमें सबसे पहले चीनी ऐड की जा रही है, तो यही तो आपको बताना है कि एक यूनिक किस्म की चाय है। इस तरीके से आप चाय बनाएं। और यहीं पे हमने ऐड कर देनी है अपनी चाय की पत्ती। और इसमें ऐड कर दें आप 2 अदद छोटी इलायची। देखिए जी, चीनी हमारी मेल्ट होने लगी। चीनी और पत्ती को हम यहाँ मेल्ट कर लेंगे, मतलब कैरेमल से तैयार हो जाएगा यहाँ पर हमारा चाय के लिए। ये देखें इस तरीके से, जब हम कैरमल बनाते हैं तो चीनी हमारी इकट्ठी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, लेकिन जब आप इसमें पत्ती शामिल करेंगे तो इस तरह नहीं होगा। चीनी जो है आपकी बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगी और फ्लफ़ी हो जाएगी, जैसे हम कॉफ़ी को बीट करते हैं ना, कॉफ़ी बीट होकर होती है तो फ्लफ़ी हो जाती है, इसी तरह से ये हमारा जो हम कैरमल बना रहे हैं ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये देखें इस तरीके से, हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। देखिए जी, हमारा फ्लफ़ी सा फ्लेवर आ गया इधर, जैसे हमने कॉफ़ी को बीट किया होता है। ये देखिए कलर आ गया ना, बहुत अच्छा सा। देखिए अब हमने चूल्हा कर देना है बिल्कुल स्लो। ये देखें ज़बरदस्त। ये देखें अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध, सारा दूध एकदम से आपने ऐड नहीं करना, पहले थोड़ा सा दूध ऐड करके हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे मिक्स। ये देखिए इस तरीके से, अब चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दें, इसको अपनी अच्छी तरह पकाएंगे हम। ये जो पत्ती है हमारा जो कैरेमल है ये मेल्ट हो जाएगा इसमें अच्छे तरीके से। तो 5-10 मिनट के पकाएंगे हम। देखिए हमारा जो पत्ती थी और कैमल थी वो बिल्कुल निकल चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दूध, जितनी आपने चाय पे आनी है उस हिसाब से आपने दूध ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, हम चूल्हा तेज़ कर लें और उसको पका लें। इसमें तकरीबन 2 से 4 दोस्त आएंगे तब आप इसको उतार लेंगे। मैं इसको 5-10 मिनट और अच्छी तरह पकाऊँगी ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर है वो हमारी चाय के अंदर आ जाए। इस तरीके से आपने इसको फेंटना है चाय पत्ती तरीके से। इस तरह की चाय आप बना के जब मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो आपसे लास्ट में पूछेंगे इस चाय बनाने का तरीका हमें भी बता दें। अच्छा जी, हाँ जी जी, ये जो फेंटनी है वो चाय है। हाँ जी, चाय हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, और इसको करेंगे हम स्ट्रेन। चाय हमारी हो चुकी है रेडी, देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है इसकी। अब इसमें ऐड करेंगे हम बादाम, आप चाहें तो डालें, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ऐड कर रहे हैं हम इसमें? बादाम।
जो ऐड कर रहे हैं वो बादाम है जी। हाँ जी जी और इस तरीके से जब आप चाय बनाएंगे तो इसका जायका भी यूनिक होगा और चाय बनाने का तरीका तो यूनिक है ही, वो आपने देख ही लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में आप शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ सब तक पहुँच सकें, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई चाय की तो आपको कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।